सबसे मजेदार मुझे बांस वाला जो ब्रिज है ना, ये बहुत अच्छा दोस्तों लगा। मेघालय आ चुके हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। मेघालय आके गार्डन ऑफ केव्स में आ चुके हैं। पानी टपक रहा है इसके अंदर से। पेलोंग सीएम, ओके, दिस इज द किंग्स केव। एट दैट टाइम द वाटर दैट वाज कमिंग एट दैट टाइम, बट ड्रॉप वाटर। इन विंटर नो वाटर, ओनली द रेनी सीजन। ओके ओके, ओके ओके ओके, फर्स्ट टाइम द ट्राइबल किंग। तो भाई यहाँ पे जो है ट्राइबल किंग जो है यहाँ पे बाथिंग करते थे नहाने के लिए। बढ़िया घाट बना हुआ है स्नान करने के लिए, बढ़िया घाट बना हुआ है। आई एम फ्रॉम लखनऊ। एलोन, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। तो ये कुछ केव्स देखा अभी पीछे, और ये केव्स का जो रास्ता है, अलग भी केव्स हैं कुछ, शायद घूम करके रास्ता वापस आ जाएगा। इधर से ही वापस आना है सर जी। अच्छा, तो ये भी देखिए गुफाएं हैं, बहुत प्राचीन गुफाएं हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो राजा थे इन गुफाओं में रहते थे। और गार्डन है पूरा, एकदम जखीरा कह सकते हैं। किधर गए लोग? इधर से जाना है। इधर से अच्छा, जाके फिर ऐसे घूम के आना पड़ेगा। अच्छा, इधर से घूम के आना है। ओके ओके, इधर राइट साइड। हाँ हाँ, इधर ये स्पॉट नंबर 3। हाँ हाँ, फिर स्पॉट नंबर 4 केव है इधर। अच्छा, ये केव के अंदर से जाना, फिर वहाँ से निकलेंगे। अच्छा, वहाँ से निकल जाएंगे अंदर। हाँ, अंदर। हाँ, अरे वाह, ये भी और 2-3 वाटरफॉल्स। ओके ओके ओके, ये है स्पॉट नंबर 3 और इधर केव बना है। बोले हैं कि अंदर अंदर से जाना है और निकल जाएंगे। अनदर वन ऑफ यूनिक रॉक कार्विंग्स, दीज रॉक्स ले एट द फ्रंट ऑफ एंड ऑफ द पार्क। द नेम इज टेकन फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू कम्बैट सील्स यूज्ड ड्यूरिंग द वारफेयर। मतलब कम्बैट फील्ड, मतलब ये है कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी जाती थी, हथियारों के जो जखीरे होते थे वो सारी चीज़ें रखी जाती थी। तो का क्रेम बा डांग थीमेई, तो दिस केव विच इज नेचुरली फॉर्म्ड विद द मोस्टली सैंड स्टोन्स एंड क्ले वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द ईयर 2019 बाय द पार्क कमेटी मेंबर्स मिस्टर लाई सिंह खोंग सेई, मिस्टर किटलैंग, नाम बहुत सारे लिखे हैं। द कंसर्न इज 78 मीटर डीप, ऑल दो द फर्स्ट 8 मीटर फ्रॉम द एग्जिट पॉइंट वॉज ऑलरेडी देयर विद द इफेक्ट ऑफ हैवी रेन ऑन 24 अप्रैल 2019 एंड विद द हेल्प ऑफ पार्क कमेटी मेंबर्स द केव वाइडेंस अप फॉर अनदर 70 मीटर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ द केव वॉज नॉट नोन टू द लोकल प्रायर टू द हैवी रेन इवेंट्स फुल्ली कवर्ड विद द सैंड एंड सेडिमेंट्स रॉक्स। तो चलिए इस पार्क के अंदर चलते हैं। 2019 में इसकी खोज हुई है, इस गुफा की। भाई एकदम गुफा तो बहुत ही यूनिक है, मज़ा आ गया। मतलब पहली बार अभी लग रहा है कि हमने कुछ अच्छी जगह एक्सप्लोर किया है। लाइटिंग लगी हुई है और इसके अंदर अंदर से हो करके बाहर निकल जाएंगे। देख रहे हैं क्या गुफा के नज़ारे हैं। अरे भाई पूरा पानी टपक रहा है इस गुफा के ऊपर से, और यहाँ से होते हुए हमें बाहर जाना है, निकलना है। ये रास्ता बना हुआ है, ये अंदर तो बहुत ही स्पेस है, और वारफेयर के दौरान छुपने के लिए बनाया गया था गुफा। जो यहाँ के ट्राइबल किंग थे वो इसका यूज करते थे। अरे भाई ये तो पूरा भयंकर है यार, देख रहे हैं। पहले गुफा पतली थी तो बता रहे हैं कि इसको थोड़ा चौड़ा किया गया है, देख रहे हैं। OMG, इसको कहते हैं ये मेरा इंडिया।
ये है भैया मेरा इंडिया, मेरा भारत महान। और गुफाओं के अंदर से यहां से निकल पाएंगे कि नहीं? अरे भाई, ये इसके अंदर से रास्ता है। गुफा के नीचे से सीढ़ियां बनी हुई हैं, पर इट इज नाइसली अरेंज्ड। जो स्टोन्स वगैरह हैं बड़े अच्छे से अरेंज किए गए हैं, और उधर से घुसे थे इधर निकल आए। अब जाना है स्पॉट नंबर 6 पर। क्या है? खाइद उम लॉई, यह है कुछ नाम है भाई। पहला एक्सप्लोरेशन मेघालय का, और वो भी लाजवाब। अब जाके लगता है कि पैसा वसूल हुआ। तो गुफाओं का पूरा गार्डन है ये, और राजा यहाँ पे, मेघालय के जो राजा थे वो यहीं पे इन गुफाओं में रहते थे। काफ़ी लंबा है। एक भाई साहब जो गए हैं उन्होंने बताया कि 2 घंटा लगा हमको, पर हमें नहीं लगने वाला 2 घंटा। हम जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, ख़त्म करेंगे, क्योंकि शाम हो रही है। तो मुझे अभी रुकने की व्यवस्था भी देखनी है। सब कुछ मात्र सत्तात्मक परिवार है यहाँ पे, मैटरनल कह सकते हैं पूरा, मतलब महिलाएं सब कुछ देखती हैं, दुकान वगैरह जितना भी सब कुछ है सारा काम महिलाएं देखती हैं। एक और स्पॉट नंबर 6 आ गया, इसका नज़ारा देखिए। अब ऐसा लग रहा है कि हमने जो बाइक रेंट पे लिया है, स्कूटी लिया है, TVS एंड टॉर्क है, और 125 cc की है। अभी तक तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, मैंने फुल करा लिया है और ठीक है, सब कुछ अच्छे से निपट जाए, बस ऊपर वाले से यही दुआ है। एक और स्पॉट पे आ चुके हैं, ये भी गुफाओं का पूरा जाल है। पहले इसके नज़ारे देखिए, ऊपर से पानी कैसे आ रहा है, क्या मस्त लग रहा है ना। तो चलते हैं, और यहाँ भी शायद कुछ लोग रहते हैं, अपना भुट्टा उट्टा भूंद के खिलाते होंगे, कुछ चाय वाय भी बनाने का इंतज़ाम दिख रहा है। यह है उम लाई फॉल्स। तो ये है खूबसूरत नज़ारा उम लाई फॉल्स का। इसके नीचे खड़े हो जाइए और नहा लीजिए। तो द टालेस्ट वाटरफॉल इन द एरिया उम लाई फॉल्स नेम इज डराइव्ड फ्रॉम लाई, ए स्पेसीज ऑफ बी दैट इज लार्जर देन कॉमन वंस, थ्राइव्ड एंड फॉर्म्ड हाइट्स अलॉन्ग द क्लिफ ऑफ द वाटरफॉल 50-60 ईयर्स अगो, बैक वेन दिस प्लेस वॉज अ थिक फॉरेस्ट, उम मीन्स द हनी प्रोड्यूस्ड बाई लाई। यह है कुछ भाई नज़ारा पानी का, देख रहे हैं ऊपर से गिर रहा है। भाई इस नज़ारे को क्या कहेंगे, झरने के नीचे बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, और इधर तो बंद किया हुआ है, जाना नहीं है क्या आगे, पता नहीं, शायद इधर से घूम जाना है, इधर से बंद हो गया है तो इधर से हमें घूम जाना चाहिए। वैसे रिस्की तो है, ऊपर से कुछ गिर भी सकता है। सेल्फी डेंजर जोन, मतलब यहाँ पे सेल्फी लेना जो है बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बढ़िया किया भाई, आ गए, देख रहे हैं क्या मस्त नज़ारे हैं भाई। तो उधर लकड़ी लगा के बंद किया, इसका मतलब उधर जाने का नहीं है। अरे वाह, क्या भाई मज़ा आ गया, अब मज़ा आया है असली। तो अब ये जो पानी गिर रहा है, इधर से छोटी सी धारा या नदी बन जाती है, और अब चलते हैं यहाँ से आगे, एक फ़ोटो खींच लें उससे पहले। तो ये है भाई नदी के किनारे का नज़ारा, और जंगलों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं, रास्ता बना है, और भी जगह है उधर आगे जाने का, पता नहीं बंद है वो, और देख रहे हैं ये जो टंगा हुआ है कूड़ा फेंकने के लिए है, ये स्पेशली ये कूड़ेदान है। तो भाई जंगल तो बिल्कुल दबा के है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है,
पानी है, पत्थर है, मछलियां होंगी इसके नीचे। पता नहीं बांज के पेड़ हैं क्या, कुछ और पेड़ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पेड़ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे किस चीज़ के पेड़ हैं। और यहाँ झरने ही झरने हैं खूब, जो है झरनों की आवाज़ आ रही है। तो भाई हर कोई पूछता है एकला हो क्या, एकला भैया एकला ही एकला ही आए हैं, और एकला में ही हालत ख़राब हो गई। मतलब अगर फैमिली होती तो हर जगह गाड़ी बुक करनी पड़ती, और एक स्पॉट घूमने का जो है मुझे लगता है कि वो है लगभग 3500 रुपए लेते हैं, 2000-3000-3500 इस तरह से रेट है। जितना ज़्यादा रेट घूमेंगे उतना ज़्यादा रेट बढ़ता जाएगा। स्पॉट नंबर 7, तो स्पॉट नंबर 7 पे चल रहे हैं। वो जो पानी है वही आगे जाके गिरता होगा, इधर टॉयलेट वगैरह अच्छा बना रखा है। चलते हैं नीचे, जितना नीचे जाएंगे उतना चढ़ के आना पड़ेगा। यही है नियम, गर्मी आ गई भाई। पर ये देखो फॉरेस्ट कवर देखो, मतलब गजब का पूरा जंगल है। OMG, नीचे जाना है, स्पॉट नंबर 7 हमें नीचे उतरना है इन सीढ़ियों से। तो भाई ये देखो झरने के नज़ारे। हाँ यहाँ थोड़ा रिस्की हो सकता है फिसलने का डर में, सब कुछ तो गीला गीला हो रहा है। और ये जो इन्होंने लकड़ी का बनाया है ये भी उतना मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं, पानी भी अच्छा ठीक ठाक गहरा है, मतलब इसमें लोग नहाते हैं। ये ओहो तो इस पानी में आप नहा भी सकते हो। वाह 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 क्या नज़ारे भाई, पानी देखो कितना साफ है, एकदम नीट एंड क्लीन पानी है। हाँ 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 ये है गुफा इधर इसके अंदर, और ये कुछ नज़ारे हैं इधर के, सीनिक व्यू हैं। ओहो पानी के छींटे आ रहे भयंकर। भाई मजा आया कि नहीं आया, पैसा वसूल है। ये देखो पीछे क्या गजब भर रहा है भाई। आहा तो अभी हम है गार्डन ऑफ केव्स में है, और ये है नज़ारा कुछ यहाँ का। और यहाँ से झरना गिर रहा है पानी, आगे बन करके नदी बनते जा रहा है, कुछ नज़ारा यहाँ कैसा है। और पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो चलते हैं फटाफट ऊपर की ओर। भाई यहाँ टॉयलेट बना हुआ है गार्डन ऑफ केव्स में, एकदम इतनी साफ सफाई स्वच्छता है यहाँ पे, मतलब पूरे मेघालय में वैसे है यहाँ भी टॉयलेट में ऐसे, मतलब घर पे इतना लोग साफ सुथरा नहीं रखते होंगे। तो मानना पड़ेगा कि जो डिपार्टमेंट है उसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। स्पॉट नंबर 8 नहीं गए, हाँ चलो चलते हैं स्पॉट नंबर 8 पे, बता रहे हैं ये भी काफ़ी बढ़िया है। कुछ ये यू माओ खिलांग स्पॉट नंबर 8, तो इसके अंदर है
और जंगलों के बीच में भाई बहुत ऊपर नीचे जाना पड़ेगा क्या, अब तो थकान सी होने लगी घूम घूम के। यू माओ खिलांग बेबी इन मदर स्वाम्ब, मतलब बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है, कुछ इस तरह का ये बन गया है यहाँ पे पत्थरों के बीच में, देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और लाइट जलाता हूँ तब आपको दिखेगा। ये देखिए एकदम मतलब सिर, इधर सिर है ऊपर की ओर, इधर शरीर है, नीचे पैर है, पूरा एकदम उसी आकार में बना हुआ। स्पॉट नंबर 9-10 उमडावाई, इधर की ओर जाना है। ये बैम्बू उम्बू किस पर्पस का बना है पता नहीं, इसमें खाना पकाते हैं क्या या पानी पीते हैं। ग्लास जैसा दिख रहा है भाई, जंगल के नज़ारे देखो, उसी के बीच में ये सब बना। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इन्होंने हर स्पॉट पे एक एक गाइड रखे हुए हैं, और स्टार्टिंग में सबसे पहले बहुत ही अच्छी खूबसूरत मैडम ने घुमाया, अच्छा लगा। अरे भाई ये तो बैम्बू ब्रिज पे आ गए भाई, मज़ा आ गया, इसकी बड़ी इच्छा थी बैम्बू ब्रिज पे चलने की। हाँ 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 अभी देखिए हम बैम्बू ब्रिज से हो करके जो है क्रॉस करने जा रहे हैं, ये देख रहे हैं ये पूरा बांस का जो है ब्रिज बना हुआ है ये, और पेड़ों के ऊपर है ये सारा लटकाया गया। आह हा कुछ हैंगिंग ब्रिज का एहसास हुआ कि नहीं, नीचे तो भाई बड़ा गहरा है, डरावना सा लग रहा है। और बांस कितने मजबूत होते हैं देखो ना आप, इन्होंने कैसे कैसे बांध रखे हैं, और गहराई देखो नीचे, ओ भाई कम से कम 100 फीट तो होगा वहाँ बीच में ना गहरा, इधर वाला ज़्यादा गहरा दिख रहा है। ताड़ के कुछ फट्टे भी डाले हैं बीच में इन्होंने ना भाई, 100 फुट से ज़्यादा गहरा है ये, और पूरा एकदम पेड़ों के बीच में। ये तो नज़ारे देखो भाई, हिल भी रहा है, पेड़ों में बांधा गया है ऊपर रस्सियों से, देख रहे हैं, और इधर भी कैसे पेड़ों में इसको लटकाया गया है देखिए। वाह बहुत अच्छा लगा, ये हिल रहा है हिल रहा है। तो सबसे मजेदार मुझे बांस वाला जो ब्रिज है ना ये बहुत अच्छा लगा, नंबर वन झकास, मजा आ गया बांस वाला ब्रिज देख करके अब इस पे एक फोटो खींच लेते हैं। ये है आपका जो, इट इज स्प्राउट ऑफ वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम एन ओपनिंग इनसाइड अ रॉक, अकॉर्डिंग टू एल्डरली लोकल्स द नेम उमडावाई कम्स फ्रॉम फैक्ट दैट दिस वाटर इज बीइंग यूज्ड बाय द लोकल्स फॉर कीपिंग देम इन गुड हेल्थ, मतलब इस पानी को पी सकते हो आपने। तो ये जो पानी है आप इसको जो है पी सकते हो, और इसमें गिर रहा है ये, चलो पी के देखते हैं। अरे भाई मस्त है एकदम, कैसे पिए यार, बहुत ही मीठा पानी, बोतल लाया होता तो भर लिया होता इसको ना, स्वीट वाटर। तो ये प्लेस भी घूम लिया, और 10:11 ख़त्म होता है, अब चलते हैं आगे की ओर, स्पॉट नंबर 10-11। तो अब आपको समझ में आया कि बांस जो है यहाँ पे ट्राइबल पीपल के लिए मेघालय में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, बांस का पुल, बांस का घर, सब कुछ बांस का बनता है, बांस की पाइपलाइन भी बना के पानी भी ले जाते हैं, बहुत कुछ बांस का बनता है। तो ये 10:11 स्पॉट देख लिया, 9-10
11 में चलते हैं। तो भाई ये है स्पॉट नंबर 11, माओ दोहनड स्पॉट नंबर 11 कुछ ऐसा बना हुआ है। आइए चल के देखते हैं। ये तो यहीं बगल में है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये भाई ये किस लिए बना देख रहे हैं? अब ये है क्या? दिस कॉर्डेट इम्प्रेशन ऑन बेड रॉक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमंग अदर स्पेक्टेकल्स विद इन द गार्डन ऑफ केव्स। इट लाइज एट द सेंटर ऑफ गार्डन इट सेल्फ एंड नेम लिटरली ट्रांसलेट टू हार्ट शेप्ड रॉक। भाई ये बिल्कुल हृदय के शेप का जो है रॉक बना हुआ है, चट्टान बना हुआ है, और लोगों ने पैसे भी डाले हैं इसमें। यहाँ से बांग्लादेश का नज़ारा देखिए, खूबसूरत नज़ारे ये देखिए। वो जो उधर प्लेन दिख रहा है ना पूरा, वो पानी और प्लेन जो दिख रहा है वो पूरा बांग्लादेश है भाई। देख रहा, थोड़ा थोड़ा सिटी दिखेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। ड्रोन होता तो उड़ाने पे पूरा आ जाता भाई। काफ़ी खूबसूरत है, और एक बार शंका हो रही कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ, पर आया तो अच्छा हुआ। मतलब ठीक है कि आ गया तो मतलब दिल को संतुष्टि हो गई और पैसा वसूल है यहाँ पे आना। दोस्तों ये गार्डन ऑफ केप्स कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। 11 पॉइंट हैं और सब अपने में आपस में मतलब एक से एक यूनिक पॉइंट है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अब जो है शाम हो गई है, दिन डूबने वाला, अभी थोड़ा उजाला है, तो जल्दी से मुझे कहीं आसियाना ढूंढना होगा, सस्ते में मिल जाए तो अच्छा है, मतलब 600-700-800 रुपए तक। देखते हैं मिल जाता है तो अच्छा है, क्योंकि रुकना अभी बहुत सारे स्पॉट हैं जो इस चेरापूंजी के एरिया में घूम नहीं पाए हैं, तो रुकेंगे और उस स्पॉट को कल जो है एक्सप्लोर करके फिर दावकी की तरफ चले जाएंगे।